अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, उम्मीद कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। दोस्तों, जब भी आप YouTube के ऊपर नया काम शुरू करते हैं तो आपके जहन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपका चैनल जो है वो सर्च में नहीं आता। जितनी दफ़ा भी सर्च करें हमारे चैनल सर्च में नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह होती है? जब हम नए नए यूट्यूब के ऊपर आए थे तो हम भी सारा दिन अपने मोबाइल से कंप्यूटर से अपना चैनल द यूनिवर्सल नॉलेज, द यूनिवर्सल नॉलेज, द यूनिवर्सल नॉलेज सर्च सर्च कर करके मर गया। हमारा चैनल ना शो होता था ना पता नहीं क्या क्या वजह थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जब YouTube के साथ काम किया है तो आस्ता आस्ता हमें भी जो है वो एक्सपीरियंस होना शुरू हो चुका है और छोटी मोटी सारी बातों का अल्हम्दुलिल्लाह पता लगना शुरू हो चुका है। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में आप लोगों की वो टेंशन दूर करूंगा कि आप आज से इंशाल्लाह ताला इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपका चैनल सर्च में नहीं आता, जितना भी आपका दोस्त है सर्च करते हैं आपका चैनल सर्च में नहीं आता, इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएगा और ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी एक बात इसके लिए जो मैं आपको बताऊंगा सेटिंग और एक मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक पहले मैं आप लोगों को बता देता, ट्रिक क्या जी? जब आप लोग अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो ऐसा किया करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कजन्स हैं या जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके हमसाए हैं, जितने भी दोस्त या जो जिससे आपका तल्लक है, उनको अपने चैनल की लिंक नहीं भेजी आप लोगों ने कि भाई जान हमारे इस लिंक में इंटर होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ऐसा ना किया करें। आपने क्या करना है कि आपने अपने चैनल का नाम उनको बताना है कि भाई जान हमारे मेरे चैनल का जो नाम है वो है द यूनिवर्सल नॉलेज। आप ऐसे करें कि मेरे द यूनिवर्सल नॉलेज को सर्च करें और सर्च करने के बाद इसमें इंटर हो, ठीक है जी? तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आपका चैनल सर्चिंग में जाता है ना ज़्यादा बार, तो जितने आपके दोस्त सर्चिंग करेंगे सर्चिंग करेंगे सर्चिंग करेंगे, ऐसा सेम सेम नेम जब दूसरे बंदे सर्च करना शुरू कर देंगे तो आपका जो चैनल की सर्च रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा दूसरे बंदे भी सर्च करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो चैनल की सर्चिंग रैंकिंग है वो आपका जो चैनल जितने जो भी सेम नेम से जो सर्च करेगा तो आपका चैनल इंशाल्लाह टॉप में आना शुरू हो जाएगा। एक ये होगी ट्रिक। दूसरी वो है कि सेटिंग है, वो सेटिंग कैसे करनी है मैं आप लोगों का भी पीसी पे लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने करना है अपने लोगों के ऊपर, जब आप इंटर हो जाएंगे पीसी में तो अपने लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो में जो ही आप आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, प्लेलिस्ट, एनिमेटेड कमेंट, सबटाइटल्स वगैरह इधर आए। इसके साथ ही नीचे यहाँ पे देखें आपको नजर आ रही सेटिंग, सेटिंग में आप लोगों ने करना है क्लिक। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज देखने को नजर आएगी, चैनल। इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें दोस्तों, मेरे चैनल का नाम मुबीन आरिफ सियाल, यहाँ पे उसने लिखा है कीवर्ड्स। यही है असल आपकी चीज, बिल्कुल आप यही आपकी चीज है जहां से आपके चैनल सर्च आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ऊपर मेरे चैनल का नाम है जी मुबीन उर्दू पोएट्री, मुबीन उर्दू पोएट्री मेरे चैनल का नाम है, मिसाल के तौर पर ऊपर मुबीन उर्दू पोएट्री। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखना है मुबीन उर्दू पोएट्री, ये तो मेरे चैनल का असल नेम है। अभी मैंने उल्टा पुल्टा के अपने चैनल के नेम को लिखना है, क्योंकि मिसाल के तौर के ऊपर जब आप किसी को नाम बताते हैं, यार मेरा चैनल सर्च करो मुबीन उर्दू पोएट्री, घर जाके वो बंदा भूल जाता है या भूल जाता है यार वो मेरे दोस्त ने मुझे क्या बताया था कि यार क्या चीज नाम उसने बताया था, जो थोड़ा बहुत उसको याद होगा वो हाँ यार उसने बोला था मुबीन पोएट्री, चलो मुबीन पोएट्री लिखते हैं शायद आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुबीन पोएट्री के नाम से भी आप लोगों ने एक टैग लगा देना है। एक चीज ही होगी, उसने आगे एक इसी तरह का एक और टैग भी निकल आता है, उर्दू मुबीन पोएट्री लिख दें आप, उर्दू मुबीन पोएट्री, ठीक है जी? ये उल्टे पुल्टे नाम आप ले अपने चैनल के, उल्टे पुल्टे नाम लिखने, ताकि जो बंदा भी जिसको थोड़ी बहुत ही समझ आई थी कि यार ये वाला नेम सर्च करना है वो आपका जो चैनल है वो ढूंढ लेगा। ये वाला नेम जो असल नेम है वो लिखेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर ये वाला लिखेगा तो भी आपका चैनल सामने आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी? अभी मैं जो चैनल का नेम है वो क्या, मुबीन उर्दू पोएट्री, मैंने मुबीन पोएट्री भी लिख दी है, उर्दू मुबीन पोएट्री भी लिख दी है। अभी एक और चैनल लगा लेते हैं, टैग अपने जो चैनल के टैग है वो हमने लगाने शुरू कर देने। क्या लगाने जी? उर्दू सैड पोएट्री, उर्दू सैड पोएट्री, ऐसे आप लिख दें, या इसके साथ आप एक और चैनल पे लगा सकते हैं जी पाकिस्तानी सैड पोएट्री, यानी जो आपका चैनल की जो कैटेगरी है, मिसाल के तौर पर मेरे चैनल का नाम था मुबीन उर्दू पोएट्री, ये
पहले तो 3-4 टैग मैंने अपने चैनल के नाम के लगाए उल्टा पुल्टा के, दूसरे आपने 6-8-10 टैग आपने लगाने जो आपके चैनल की कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर आपके चैनल की कैटेगरी है पोएट्री वाली, तो आप लोगों ने पोएट्री के जो टैग है वो लगाने हैं। क्या क्या लगाने हैं मैंने, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान सैड पोएट्री हो गया जी, उर्दू सैड पोएट्री लिख दें आप, POETRY उर्दू सैड पोएट्री लिख दें, या आप लिख दें जी और इसके कौन कौन से हो सकते हैं टैग। उर्दू सैड पोएट्री होगी, हिंदी हिंदी सैड पोएट्री लिख दें, हिंदी सैड पोएट्री हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है जी उर्दू पोएट्री, उर्दू सारे सैड, हर बंदा सैड नहीं होता, कोई इमोशनल होते हैं, कोई खुश होते हैं, कोई कुछ होते हैं, कोई कुछ होते हैं, इस तरह के आप लोगों ने चैनल उर्दू उर्दू हैप्पी पोएट्री हैप्पी पोएट्री लिख दें आप, या इसी तरह की, यानी आपने अपने चैनल के नेम के जो टैग हैं वो आप लोगों ने इधर लगा देने हैं सारे। सबसे पहले आपने क्या किया है जी, अपने चैनल का नाम जो ओरिजिनल नाम है वो लिखना है, उसके बाद अपने चैनल के नेम को 4-5 दफा उल्टा पुल्टा के लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है कि आपके जो चैनल की कैटेगरी है वो कौन सी है, फिर उस कैटेगरी के मुताबिक आप लोगों ने चैनल जो चैनल के टैग है वो लगाने। जब आप लोगों के पास 10-15 टैग इधर बना लें तो यहां से आप लोगों ने करना है सेव, यहां से आप लोग जूं ही सेव करेंगे, उसके बाद अपने दोस्त को उसी टाइम फोन करेंगे यार मेरे चैनल को सर्च करो, तो दोस्तों जैसे ही वो मुबीन उर्दू पोएट्री सर्च करेगा तो आपका चैनल इंशाल्लाह ताला फर्स्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह का आप लोगों ने अपनी सेटिंग कर लेनी है दोस्तों, तो उम्मीद के वीडियो पसंद आई होगी आपको, यहां से आप लोगों ने सेव कर देना बस। वेलकम बैक दोस्तों, तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला उम्मीद कि आपको सारी वीडियोस की समझ लगी होगी, वीडियो कैसे आप लोगों ने अभी चैनल टैग कैसे आप लोगों ने लगाए हैं, कैसे उनको सेव किया है, कहाँ पे जाना है, सारा तरीका कर आप मैंने आपको अच्छी तरह बता दी, इंशाल्लाह ताला आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल द यूनिवर्सल नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। घंटी के बटन को दबाने से ये होता है कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको बिना सर्च किए आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप मेरी वीडियो और मेरी ट्रिक्स इंशाल्लाह ताला देख सकेंगे बवक्त। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।